हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज डे कितना है नहीं पता, भूल गई हूँ। आज हम जा रहे हैं श्रीनगर का लोकल टूर करने, रेडी हो चुके। एक गाड़ी आ चुका है, एक और गाड़ी आ रहा है मम्मियों के लिए, हम तो बाइक से जा रहे हैं। ऐसे बैठे थे, मेरी दीदी अचानक बोल रही है, देख मिकी माउस वाला फ्लावर। अरे देखो दूर से, ये मिकी माउस और ये डक लग रहा है। वाओ, मैंने देखा ही नहीं। अभी हम फाइनली निकल रहे हैं और हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है निषाद गार्डन, सो लेट्स गो। अभी ड्राइवर जो है उन लोगों का कहना है कि 9 बजे से लोकल टूर है, इसीलिए हम 11 बजे भी निकलेंगे तो 5 बजे तक आ जाएंगे, इसलिए आराम से चलिए। बट अभी हम दोनों का कहना, हम जल्दी निकलते हैं तो वो थोड़ा दिक्कत हो गई। कश्मीर का ई रिक्शा देखोगे, ये देखो कैसा कवर अप किया हुआ है पूरा। पहुंच चुके हैं और अभी हमने बाइक पार्क कर दिया और इधर से भी पैदल चल के जाना पड़ेगा आपको निषाद गार्डन या मुगल गार्डन निषाद, मतलब दोनों ही एक ही नाम है। तो इधर जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। टिकट का प्राइस है एडल्ट 24, चाइल्ड 12, 3% जीएसटी। तो यह निषाद गार्डन के अंदर आप गन लेके नहीं जा सकते। ये गार्डन 1633 में आसिफ खान यानी कि नूरजहान की बड़े भाई ने बनाया था। बस मुझे इतना ही पता है, अगर आप लोगों को कुछ और पता है तो कमेंट में जरूर बताना। कितना खूबसूरत है। सुबह सुबह तो ठंडा था लेकिन अभी बहुत गर्मी है। इधर कश्मीरी ड्रेस पहन के फोटो शूट कर सकते हो पर हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा गार्डन गार्डन ही है, ऊपर भी गार्डन ही है, तो हम ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे। अभी हम जा रहे नीचे, एग्जिट करके हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेंगे। घूम के उधर से एंट्री किया था हमने, अभी तो एग्जिट इधर, अभी इधर से एग्जिट है, तो लेट्स गो। देखो भीड़ होना शुरू हो चुका है, बस इसी का ही डर था कि ज़्यादा भीड़ में नहीं घूमना, बट क्या ही कर सकते हैं, सीजन में आए हैं घूमने। तो मोमो ऑर्डर कर दिया, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या ऑर्डर करूं क्योंकि सुबह सुबह बिरयानी खाने का बिल्कुल मन नहीं है एंड ज़्यादा है ऑर्डर। तो हमने ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया था चिकन कांटी, इसमें आपको दिया जाएगा रोटी एंड ये चिकन, चिली चिकन या काइंड ऑफ चिली चिकन। ये इसका प्राइस है 250 रुपीज़। इसको खाते थोड़ा महंगा है, हमें टूरिस्ट स्पॉट से हम नहीं खा पाएंगे, नेक्स्ट टाइम से हमें बाहर ढूंढना पड़ेगा। तो ये खा लेते हैं और फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलते हैं। खाना खा के पार्किंग से बाइक लेके अभी हम निकल रहे और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है बोटानिकल गार्डन, इधर से 3 किलोमीटर। 20 रुपीज़ का पार्किंग था भाई। अब तो मुझे लग रहा है कि पार्किंग में भी बार्गेनिंग करना पड़ेगा मुझे। तो हम आ चुके हैं बोटानिकल, नेहरू बोटानिकल गार्डन में। ये वो गार्डन और हमने इधर बाइक पार्क कर दिया। अभी ये सब रखते हैं और सनग्लास को निकालते हैं बाहर। इधर भी टिकट लेना पड़ रहा है।
प्राइस है फॉर एडल्ट 30, चाइल्ड 15। वाओ ये भी बहुत बड़ा गार्डन है। तो ये रहा द जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन और ये हमारी पहली प्राइम मिनिस्टर की मेमोरीज में बनाई गई थी। फाइनली हमें एक पेड़ मिला है जिधर थोड़ा सा छाव है एंड इधर देखो क्या चल रहा है। इतना सर आ गया तो ये पायरे की खानदान आ गया मेरे कबूतर ये एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। अगर आप कश्मीर घूमने आ रहे हो तो ये स्पॉट आपके बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। बहुत सारा फोटोशूट हो गया है ये देखो बहुत सारा सुंदर सुंदर। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ अभी तक नहीं पता, बाहर जाते ड्राइवर से पूछते और फिर निकलते हैं। कुछ बाकी क्या तुम नहीं फिर ना बहुत सारा खर्चा हो रहा है लाइक टिकट वगैरह पार्किंग का फीस। तो मैं सोच रही हूँ ये सब वीडियो कर लेती हूँ बाद में जाके हिसाब रख लूँगी। ये जो पैडिंग है ना ये बहुत सही तरह से गर्म हो चुका है भाई, कहीं मैं ना बॉयल हो जाऊँ इसके अंदर। ओके तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चश्मे शाही गार्डन और ये होने वाला है हमारा आज का थर्ड टाइम गार्डन घूमना। चश्मे शाही जो है जगह था वो हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि देख सकते हो सेम गार्डन ही है। तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं पड़ी महल इस तरफ से ये इसको क्रॉस करके और चश्मे शाही आने के लिए आपका चेकिंग होगा बहुत ही अच्छे से लाइक हमारा बैग टॉप बॉक्स वगैरह चेक हुआ एंड आप इधर ड्रोन नहीं ला सकते, इधर ड्रोन लाना मना है। ये पूरा इलाका ना BSF का है तो बहुत ही अच्छे से चेकिंग हो रहा है हर एक गाड़ी की। पूरे कश्मीर में ये देखो ये जो उड़ रहा है ना ये तूला है कॉटन। तो चेकिंग होने के बाद मैंने ये इधर ले लिया है हेलमेट और फिर पहना नहीं है, पहनना तो चाहिए। भी टिकट लगा 48 पर 50। तो इधर से व्यू तो बहुत मस्त है बट ये पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है तो आप ना ही ड्रोन ना ही ट्राईपॉड से वीडियो नहीं कर सकते हो। आकाश बोल रहा था जल्दी चलो उधर से फोटो लेंगे इधर से चलो, इधर से कहाँ से जाएंगे कूद जाए। इधर से पूरा व्यू आ रहा है पूरे कश्मीर वैली का। या तो ये रहा कश्मीर का पड़ी महल यानी कि द पैलेस ऑफ फेरीज एंड इधर से जो व्यू आ रहा था ना पूरा कश्मीर वैली का ये मस्त है। ट्रस्ट मी मुझे तो लग रहा था कि मैं कोई फॉरेन कंट्री में आ गई हूँ।
हम इंडियंस कभी नहीं सुधरने वाले, ट्रस्ट मी। हम कहीं पे भी चले जाए, हम इंडियंस नहीं सुधरेंगे, सुधरेंगे। और ये जगह घूमने के बाद तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी, हमारी भारत विदेशों से कम है के। हम लोग नीचे से अभी ऊपर जाएंगे। ऊपर से बेसिकली व्यू सेम ही था और कुछ भी नहीं था खास, तो इसीलिए हम ये घूम के डिसाइड किया कि चलो निकलते इधर से, बाहर निकलते। इतना ज्यादा ट्रैफिक लग चुका है क्योंकि एक तरफ पार्किंग है, एक तरफ से लोग आ रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग जा रहे हैं, और रास्ता इतना छोटा है, तो हमें ऐसे बाइक स्टार्ट ऑफ करके हम धीरे धीरे निकल रहे हैं कि हम तो इधर जा रहे हैं शंकराचार्य जी के मंदिर, बट मम्मियों की जो कार है उनको आने नहीं दिया गया। आई डोंट नो, वो लोग बोल रहे कि बंद है, बट हमें तो आने दे रहे। आई थिंक ऊपर ज़्यादा भीड़ हो गई है या फिर कुछ, वो तो चल के ही पता चलेगा। तो हम आ चुके हैं श्री शंकराचार्य जी के मंदिर, तो चलो अंदर चलते हैं। शंकराचार्य टेम्पल बेसिकली महादेव की टेम्पल है। और इसके ऊपर से जो व्यू आ रहा था ना, ट्रस्ट मी, कोई यूरोप कंट्री से कम नहीं लग रहा था हमारा इंडिया। तो दर्शन के बाद जब हम नीचे आ रहे थे, तब मिलिट्री वालों बोल रहे थे कि आज सुबह से बहुत ज्यादा भीड़ था। चलो इन दोनों को भी ले चलते बाइक से। दर्शन कैसे हुआ वो बताओ। बहुत ही अच्छे से हुआ, बहुत ही अच्छा, और एकदम खाली खाली। आज सुबह आर्मी वालों ने बोला कि बहुत भीड़ था, एकदम नीचे तक लाइन था, और अभी बिल्कुल
बिल्कुल खाली है एकदम, कोई भी नहीं है, डायरेक्ट दर्शन कर लो। ये देखो कोई भी नहीं, एक दो आदमी खड़ा है सिर्फ। इधर प्रसाद भी मिलता है बट आज सुबह से इतना ज्यादा भीड़ है, अभी देखो कितना सारा ट्रैफिक है, तो लोग आ रहे हैं अभी। हाँ अभी फिर से आ रहे हैं, तो खत्म हो गया प्रसाद, अभी फिर से बन रहा है, तो हमारे नसीब में नहीं है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है क्या? घर वापस, मतलब घर वापस नहीं जा रहे हम होटल वापस जा रहे हैं। तू मम्मा तू इग्नोर्ड सक्सेसफुली। लिया है प्लेन डोसा, फाइनली लंच में मुझे कुछ खाने को मिल रहा है, और आकाश ने छोला भटूरा लिया है, थोड़ा प्राइसी है बट ठीक है, साइज सही है, साइज बिल्कुल सही है। एंड मम्मी रोटी एंड तड़का खा रही है। तो बस इसी के साथ आज के इस वीडियो करते दी एंड, और मिलते नेक्स्ट वीडियो पे, एंड तब तक डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।